नमस्कार, मैं आमिर। हम मौजूद हैं कटिहार के बराड़ी प्रखंड अंतर्गत डुमरिया चौक पर, और यहाँ पर समर्थक का भीड़ देख सकते हैं आप। ये तमाम भीड़ एक सरपंच के समर्थक में है। तमाम लोग जुलूस निकाला जाएगा यहाँ से, लग रहा है यहाँ माहौल बता रहा है कि जुलूस निकलेगा, लेकिन इसे समर्थक जो है उनसे कुछ बातों में बातें होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। किसके समर्थन में आप जुलूस में भाग कौन है? सरपंच है। किस पंचायत? सुखासन पंचायत का। क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हो, वजह क्या? इसका वजह यही है जो चला पाएगा वो और आगे जगह जमीन दिन। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग उन्हीं को मैंने बहुत सारा के लिए काम करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनके सामने सब। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सामन कौशराला है। किस पंचायत से? आशोकासन पंचायत। तो इतना जुलूस के समर्थन में काफी भीड़ देखी जा रही है, तो किसके सपोर्ट में निकाले हैं ये जुलूस? ये मोहम्मद शफीकुल डॉक्टर के सरपंच के सपोर्ट में निकाले। सरपंच, बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनके में से क्या खासियत है जो आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं? वो उसमें यही खासियत है, तो दिल की चाहत जो है ना सरपंच साहब के साथ है, डॉक्टर शफीकुल के साथ, इसीलिए सब जो है गुंजाइश कर रहे हैं कि कहीं उसे। पाँच साल में कुछ हुआ था जो वर्तमान सरपंच? नहीं, क्या पहली बार ही। पहले जो थे उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है? उसमें संतोष है, लेकिन अभी फिलहाल जो चल रहा है ना, हम लोग उसमें सक्षम है जो डॉक्टर शफीकुल को जिताए। कौन सा जगह है? डुमरिया, हाजीपुर। आप लोग काफी तादाद में आदमी को देख रहे हैं, वजह क्या? वजह बता पाएंगे इतने भीड़ का, क्या कारण क्या है? सरपंच साहब का समर्थन में है। कितने लोग होंगे यहाँ पे लगभग? 250 लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शफीकुल। मैं बेलबाड़ीगंज 19 नंबर वार्ड सुखासन पंचायत से बिलिंग करता हूँ, और मैं इस बार मेरे परिवार को जो हुसनरा खातून है, मैं उसको सरपंच पद के लिए सुखासन पंचायत में लेकर आया हूँ, और मैं अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए इस फील्ड में मैं मेहनत कर रहा हूँ। एजेंडा क्या है इस चुनावी मैदान में आने का? एजेंडा क्या, उद्देश्य क्या? मेरा एजेंडा जो है कि मैं गत 5 वर्ष जो है वार्ड मेंबर का पद पे रहा खुद से। अच्छा। और इस बार मैं वार्ड से पंचायती चुनाव में आया। जी। कारण है कि मैं पंचायती राज जो हमारे बिहार सरकार ने एक फैसला और एक इंसाफ और जमीनी स्तर का जो भी विवाद है उसको मिटाने के लिए जो चुना है एक रास्ता, उस रास्ता में मैं अपना कदम रखा कि मैं भी अपने इंसानियत को, अपने अंदर की जो बात है उसको मैं इस पंचायत में आकर के सबका सेवा कर सकूं, और मैं एक इंसाफ में सबको तोल सकूं। खास करके वो घटना को लेकर के विवाद चल रहा है, लेकिन आज तक उसका इंसाफ नहीं हो पाया है, और मैं खास करके इसीलिए मैं आया हूं कि ताकि मैं उसका इंसाफ कर सकूं। अपने पंचायत वासियों को पैगाम के तौर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने पंचायत वासियों को यही बात कहना चाहेंगे कि देखिए, आज का दौर में अगर कोई ऐसा है कि कोई चपरासी से बात करने के बाद बोलता है कि हम इंस्पेक्टर से बात करके आया है, वैसे धोखेदार आदमी से अपना बहुमूल्य वोट को ना दे, ताकि उस आदमी को दे जिसका पहुंच हो, जिसका बोलबाला हो और कहीं भी कोई काम खदेड़ के कर सके। एक अंतिम सवाल है हमारा आपसे कि आपके पंचायत में जो आप चुनावी मैदान, जनता अगर मौका देगी आपको, सबसे पहला किन चीजों को काम करेंगे, किस बातों को न्याय दिलाने का काम? सबसे पहला मेरा मुद्दा जो है, मैं एक नंबर सबसे पहला मुद्दा है कि मैं हर वार्ड में एगो मिनी कचहरी बनाऊंगा, और उस वार्ड का फैसला मैं उसी वार्ड में करके दिखाऊंगा, ताकि उसी वार्ड का, उस समाज का जो विवाद हो वहीं पे रह जाए, विवाद ना बढ़े। प्राथमिकता आप इन्हीं चीजों को देंगे? जी जी। क्या नाम? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शफीकुल हक हुआ। इस पंचायत से फाइट किए हैं? सुखासन पंचायत बरारी से। कैंडिडेट नाम क्या? हुसनरा खातून।